हाल में एक फेसबुक पेज नरेंद्र मोदी ट्रू इंडियन ने एक पोस्ट छापा जिसमें दावा था कि आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन ने 1987 में कश्मीर से असेंबली इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। ये पोस्ट पहले शेयर हुआ था 2017 में एक फेसबुक पेज द फियरलेस इंडियन पर, जो BJYM के देवंग दवे चलाते हैं। इस पोस्ट से मिलते जुलते और भी ऐसे दावे छपे थे 2017 में अनेक वेबसाइट्स पर, जैसे पोस्टकार्ड न्यूज और कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर, जिन्होंने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट का उदाहरण दिया था। तो सच क्या है? इस वायरल दावे का पर्दाफाश 2017 ही में हो चुका था, जब न्यूज वेबसाइट द क्विंट ने स्पष्ट किया कि दोनों हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक भास्कर ने जरूर लिखा था कि सैयद सलाहुद्दीन ने कश्मीर में इलेक्शंस लड़े थे 1987 में, परंतु मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट पार्टी के टिकट पर और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नहीं। अगर वेबसाइट www.elections.in पर जाएं, तो इस पे जानकारी मिलेगी कि 1987 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन ने अमीरा अकताल असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ा था। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या रूमर आपको जज्बाती लगे, तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें, ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।